जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर है सबसे जी मैम वालेकुम वाले सलाम आवाज सही है ओके अच्छा जी इसमें आज की क्लास में हम देखेंगे वॉइस भी सही है आज की क्लास में हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कीपा का ग्राफ जो है ना इन डिटेल में हम दिस्क्रा, इसको डिस्क्राइब करेंगे ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी कन्फ्यूजन या कोई भी कन्फ्लिक्स हैं तो इन आज की क्लास में रिमूव हो जाएंगी कल एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि कीपा के ग्राफ के अकॉर्डिंग ठीक है तो उसको भी, उसको भी हम कवर करेंगे सेकेंड थिंग कि आपने अपने पास डायरीज वगैरह रखनी है ताकि कोई भी क्यूरी है आप राइट करके रखें एंड लास्ट में इनशाला उनको डिस्कस करें आवाज कंफर्म करें बाकी स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स कन्फर्म आवाज ठीक है।, है आवाज ठीक ओके ओके अच्छा जी अब इसमें देखें जी जैसे कि यहाँ पे सबसे मेन चीज यहाँ पे ना ग्राफ में देखने वाली होती है सेल रैंक सेल रैंक का ग्राफ कैसे जा रहा है ठीक है अब इसको ना वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि अच्छा इन तमाम टैब्स को मैंने ऑफ कर दिए वन बाय वन इनको ना कर डिस्क्राइब करेंगे अब इसमें ये देखिए कि सेल रैंक में जब मैंने क्लिक किया ना तो ये सेल रैंक बता रहा है कि कितना है सिक्स ट्वेंट सेवन सिक्स सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड समथिंग और इस तरह से मतलब कि सेल रैंक बहुत अच्छा जा रहा है हम कहते हैं कि सेल रैंक जो है ना प्रोडक्ट का तकरीबन फोर्टी थाउजेंड से अबव नहीं होना चाहिए फोर्टी थाउजेंड के बिलो हो तो ये सेल रैंक तो इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा जा रहा है ठीक है अब ये है थ्री मंथ्स के अकॉर्डिंग ठीक है वन ईयर के अकॉर्डिंग चेक कर कर लेते हैं तो वन ईयर के अकॉर्डिंग थ्रू आउट इसका जो है ना ये सेल रैंक बहुत अच्छा जा रहा है इस प्रोडक्ट का यानी सेल अच्छी है बहुत अच्छी है इस इस प्रोडक्ट की सेल सेकेंड थिंग इसमें आप बाय बॉक्स भी जब हम क्लिक किया ना हमने तो बाय बॉक्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लेते हैं ज़्यादा वैसे हम थ्री मंथ्स के अकॉर्डिंग ही देखते हैं अच्छा बाय बॉक्स की लाइन ये शो कर रही है एक तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि बाय बॉक्स किसके पास ज़्यादा जा रहा है एफ बी एम वालों को ये बाय बॉक्स ज़्यादा मिल रहा है यहाँ एफ़ बी ए वालों को या फिर अमेजोन को ठीक है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ज़्यादातर जो ना है ना बाय बॉक्स है एफ बी ए वालों को हाँ एफ बी ए वालों को ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और देखें कितना कंसिस्टेंट है यहाँ बाय बॉक्स की जो प्राइस है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए देखें फॉर एग्जांपल ट्व और इलेवन या फिर एलेवन समथिंग या फिर इसके अलावा थ्रू आउट इलेवन ज़्यादा सेलर जो है ना इलेवन की सेल आउट कर रहे हैं आपको ये पर्पल -पर में जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये शो कर रहा है कि बाय बॉक्स जो है ना ये किसके पास है इस टाइम पे और बाय बॉक्स की क्या प्राइस लगाई हुई है ठीक है बाय बॉक्स का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर भी किया था कि यहाँ पे एड टू कार्ड का बटन जो आता है ना इन एक्चुअली इसको बाय बॉक्स कहते हैं अब इसमें ये है एफ बी होल सेल की प्रोडक्ट जिसमें सिक्स सेलर मी टू करके बैठे हैं अब सिक्स सेलर के दरमियान ये एड टू कार्ड का बटन जो है ना रोटेट हो रहा है अब अमेज़ोन जो है ना किस बेस पे बाय बॉक्स यानी कि हर एक सेलर को डेफिनेटली मिलना चाहिए बाय बॉक्स जाहिर बात है कोई भी सेल आउट करने बैठा है तो हर एक ही विषय के बॉक्स उसको मिले और जिसको बाय बॉक्स मिलेगा एट अ टाइम जिसके पास बाय बॉक्स होगा ना सेल भी उसको जारी होती है तो इसलिए हर सेलर का ना ये सिक्स सेलर आपस में कंपिटिशन होता है इनका कि बाय बॉक्स हर एक की यही विषय होती है बाय बॉक्स हमें मिले अब इसमें अगर हम बात करें नीचे तो जैसे कि हमने देखा कि बॉक्स का जो ग्राफ है ना वो ज़्यादातर शो कर रहा है कि एफ़ बी ए वालों को और बहुत अच्छी बात है एफ़ बी ए वालों को ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि हमने भी एफ़ बी ए के तौर पर ही अमेज़ोन में ए, ये प्रोडक्ट में Amazon पे काम करना होता है अब उसमें ये हमें तसली हो जाती है सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि अगर बायबॉक्स एफ़ बी ए को ज़्यादा मिल रहा है इट्स मीन कि हमें भी बॉक्स की परसेंटेज मिलेगी ठीक हो गया अब इसमें आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ये हमने कहा है ना कि बाय बॉक्स ज़्यादातर एफ बी ए वालों को मिलना चाहिए सेकेंडली बॉक्स की प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर जी यहाँ पे अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं एक एफ बी ए सैलर था जिसने प्राइस लगाई है एटीन डॉलर और एक ड्रास्टिक uh, इफेक्ट के साथ जा रहा है टेन या ट्वेल्व या एवन डॉलर के साथ ठीक है कितना डिफ्रेंसिएशन आ रहा है तो आपने ये चीज कंसिडर करनी है कि यहाँ पे बाय बॉक्स की प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए यानी कि दो या तीन डॉलर का डिफरेंस आ सकता है इससे ज्यादा ना आए ठीक हो गया यहाँ पे दो या तीन डॉलर का डिफरेंस आ सकता है प्राइस में लेकिन ज्यादा नहीं नहीं आना चाहिए लेकिन ये तो बहुत अच्छा ग्राफ जा रहा है ओवरऑल अब इसमें मजीद आपने क्या करना है ये बता रहा है जी एफ बी ए वाले आप शो होंगे यहाँ पे कि एफ बी ए वाले जो है ना क्या प्राइस लगा के बैठे हैं और यानी कि ये ऑरेंज लाइन आपको शो कर रही है कि यहाँ यहाँ एफ बी ए वाले जो है ना उनको बायबॉक्स मिला था इसमें एफ बी एम वालों को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो ये देखें ये आ, ये लाइन आपको शो कर रही है कि ज़्यादातर जो है ना एफ बी एम अब हमने एनालाइज किया कि देखें नो डाउट नो डाउट कि एफ बी एम वाले भी हैं और एफ बी एम वाले भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है ना बॉक्स मिल रहा है एफ बी ए वालों को इट्स इस मीन कि अगर हम एफ़ बी ए के तौर पर हमने जाना होता है प्रोडक्ट में तो इट्स मीन कि यहाँ पे चांसेस हैं कि हमें भी सेल आ सकती है अगर एफ़ वाले लेके जा रहे हैं बाय बॉक्स तो इट्स मीन हमें भी बाय बॉक्स हम भी तो एफ बी एज एफ बी और याद रखिए कि अमेजोन ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एफ़ बी ए वालों को वो क्यों उसके बिहाइंड क्या रीज़न है देखिए अब इसमें ये चीज़ आ जाती है ना अमेजोन एफ बी ए वालों से फ़ीस फीस चार्ज करता है तो एज़ कम्पेयर टू अगर एफ बी एम वालों को देखो तो उन्होंने फीस चार्ज तो नहीं करनी होती ठीक है वो तो अपने पास आइटम रख के सेल करते हैं तो इन रिटर्न उन्होंने जो है ना अमेजोन को ये जो हमने स्टोरेज फी वगैरह देनी होती है एफ बी ए वाले देते हैं तो इसलिए अमेजोन जो है ना प्रायोरिटी देता है एफ बी ए वालों को एज कम्पेयर टू एफ बी एम इसमें ना किसी के माइक हो ना माइक म्यूट कर लें अदी अपना माइक म्यूट करें अच्छा अब यहाँ पे ना वो ये भी चीज़ शो करेंगे कि ये देखें इनको भी ऑन कर लेते हैं इन टैब्स को रेटिंग बताएंगे कि रेटिंग कितनी जा रही है थ्रू आउट आप चेक कर सकते हैं रेटिंग फोर पॉइंट फोर से अबव जा रही है बहुत अच्छी बात है फोर पॉइंट टू या फोर पॉइंट फोर से अबव ही होनी चाहिए अब इसमें आप रिव्यू काउंट भी चेक कर सकते हैं एट थाउजेंड समथिंग और इस तरह से रिव्यू काउंट आ रहे हैं रिव्यू काउंट uh, का जो जो है ना वो डायरेक्ट uh, प्रोपोर्शन है इसके साथ अगर रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे ना तो आप समझ लीजिएगा कि इस पर सेल बहुत अच्छी आ रही है और यूएस में जो है ना रिव्यूज़ uh, अगर प्रोडक्ट अच्छी हो क्वालिटी अच्छी हो तो रिव्यूज़ दे देते हैं गोरे अब इसमें आप चेक करें कि न्यू ऑफ़र काउंट जो है ना आप यहाँ से यहाँ से एक बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ आपने इसको रेपटेशन पर सुनना है अब इसमें देखें न्यू ऑफ़र काउंट जो है ना यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं न्यू ऑफ़र काउंट सेवन सिक्स सेवन एंड थ्रू आउट आप चेक करें ये uh, जहाँ पे मेरी मेरा कर्सर है ना वहाँ पे आप चेक करें ब्लू सा एक बॉक्स है वहाँ पे वो कर रहा है कि सिक्स एंड सैवन सो राइट नाउ कितने हैं सिक्स uh, हैं अब इसमें अगर ऐसे ही होता कि यहाँ पे सेवन जैसे आ रहे थे फिर थ्री uh, 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 फिर ड्रास्टिक इफेक्ट के साथ थ्री ऑनवर्ड टू और वन इस तरह से हो जाते हैं यानी कि कम हो रहे होते होतेलर मी टू न्यू ऑफर अकाउंट में इट्स मीन इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट पे आई पी कंप्लेन है आई पी कंप्लेन का मतलब ये है कि ब्रांड चाहे नहीं रहा कि को कोई ये प्रोडक्ट सेल आउट करे और लोग जो है ना इसको सेल आउट कर रहे हैं ब्रांड उन पर आई पी कम्पलेन जो है ना आई पी कम्प्लें कर रहा है तो इट्स मीन कि उस तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए देखें कि सैलर कम हो ही जा रहे हैं फिर उसके उसके बिहाइंड यही रीज़न है कि ब्रांड जो है ना आई पी जो है ना उसने अमेजोन के साथ जो है रजिस्टर करवाई है जिसकी वजह से जो है ना सैलर कम हो गए हैं उस तो तरह की प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है अच्छा इसमें सबसे मेन कंसर्न होता है हमारा सेल रैंक के साथ और बाय बॉक्स की प्राइस के साथ बाय बॉक्स uh, किसको मिल रहा है ये भी हमने चीज़ कंसिडर करनी होती है एनी anyway, ओ ये तो सिर्फ मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने थ्री मंथ्स के अकॉर्डिंग देखा आप वन ईयर के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं थ्रू आउट हमने देखना होता है आज का थ्रू आउट सेल रैंक कितना जा रहा है ठीक है अब उसमें यहाँ पे जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि प्राइस पहले जो है वो ट्वेंटी फाइव तक भी हुई है लेकिन अब जो है ना राइट नाउ थ्री मंथ्स के अकॉर्डिंग ज़्यादातर बाईबॉक्स जो आ रहा है एफ बी ए वालों को तो इट्स टू गुड अब इसमें डाटा में आपने जाना है और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पर आपने क्लिक कर देना है उसके अकॉर्डिंग ना हमें ये बताएगा कि बाय बॉक्स जो है वो कितने सेलर को किस तरह से मतलब उनको किस रेशो से मिल रहा है अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो box आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक तो तमाम जो जितने भी हैं सेलर जिनको box मिल रहा है वो एफ बी ए कर रहे हैं ओके फाइन अब इसमें आप चेक करें जरा ये देखें ये bargain जो है ना ये एक सेलर है जिसको फिफ्टी नाइन परसेंट मिल रहा है हम कहते हैं अगर सिक्सटी या सिक्सटी फाइव से अबव परसेंटेज एक सेलर लेके जा रहे हैं तो इसमें उससे आव, आप अवॉइड करें लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि नो डाउट फिफ्टी नाइन है लेकिन उस वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा है सेकेंडली अगर अमेजॉन है भी ना इस प्रोडक्ट में वैसे तो हमें कहीं नज़र नहीं आया अमेजोन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस आ, आ, यहाँ पे आपने देखा येलो लाइन हमें शो ही नहीं हो रही अमेजोन है लेकिन अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है थ्रू आउट द ईयर आप चेक कर सकते हैं या फिर ऑल में आप चेक कर सकते हैं कि अमेज़ोन जो है ना बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट में नहीं है ठीक है अमेज़ॉन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो टैप शो कर रहा है कि अमेज़ॉन था इस प्रोडक्ट में है लेकिन सेल नहीं कर रहा प्रोडक्ट को ठीक हो गया अब इसमें सेकेंडली आप यहाँ पर चेक करें परसेंटेज के हिसाब से एक कोलेवन परसेंट है एक वन परसेंट है अच्छा इसमें कम रेटिंग के साथ जो है ना उनको बाय बॉक्स अच्छा मिल रहा है सेकेंडली के न्यू ऑफर काउंट में ये चीज़ बता रहे हैं कि पहले सेवन थे फिर फाइव ऑनवर्ड फाइव फाँव है यहाँ तक लास्ट uh, वन हमने देखना होता है कि किन uh, इनको बाय बॉक्स जो है ना कब कब uh, मिला है अब आप चेक करें कि ट्वेल्व डेज गो और वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा है। इसलिए उसको काफ़ी देर हो गई है बाय बॉक्स मिले हुए जस्ट ना हो इसको मिला है अमेजोन को और यानी कि बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी है सेवन आवर पहले एंड टेन डेज को अब ये टेन डेज गो माइड भी आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा था एंड राइट और स्टॉक में आया ठीक है और इसको थोड़ी देर तक हम चेक करेंगे दो या तीन दिन बाद कि क्या इसको बाय बायबॉक्स रेशो मिली है या नहीं तो इसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जितने जितने भी सैलर हैं ना जिनको बाय बॉक्स मिला हुआ है उनको एटलीस्ट एक दिन के अंदर तीन दफ़ा बाय बॉक्स रोटेट होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जैसे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिसमें फोर्टी थ्री मिनट्स हो गए और ट्वेंटी फाइव मिनट्स हो गए इस तरह से मिनट uh, के हिसाब से बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता है तो ऐसी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है जिन uh, हैं जिनमें घंटों के हिसाब से मिनट्स के हिसाब से एक दिन में काफ़ी सैलर को मिला हुआ बॉक्स तो प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं अब इसमें एक क्लियू की बात कल मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है ना अगेन रिपीटेड डैट और कल भी इसको मैंने बड़ा रिपीट किया था एक वीडियो में अगर प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग आप डजेंट मैटर कि अगर फिफ्टी फोटी फाइव सेलर भी हैं ना तो आप जा सकते हैं उसमें uh, और सेकंड उसका ये है कि मेन पॉइंट देखने वाली ये चीज़ है कि उनका बाय बॉक्स जो है ना अच्छे तरीके से रोटेट करना चाहिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत अच्छी सेल होती है और उसमें सेलर नो डाउट के अगर ज़्यादा भी है ना लेकिन बाय बॉक्स सबको अगर मिल रहा है ठीक है अच्छा खासा रोटेट हो रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं डिपेंड करता है स्नैरियो पे अब इसमें एक और चीज़ हमने देखनी होती है ऑफ़र में अगर हम आएंगे ना तो ऑफ़र पे क्लिक करने के बाद आपने प्राइम के चेक लगाना है प्राइम के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे इनका ना कितने कितने यूनिट्स इन्होंने सेल आउट किए हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि तकरीबन इनके यूनिट सेल आउट हो रहे हैं फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स एंड इस तरह से तो लास्ट थर्टी डेज़ में इन्होंने इतने इतने इन यूनिट सेल आउट किए हैं मतलब एवरेज थर्टी यूनिट्स जा रहे हैं हर सेलर के ना सेल ठीक है इस प्रोडक्ट की तो फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं वैसे ट्राई करें ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि लास्ट थर्टी डेज़ में फिफ्टी यूनिट्स और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो हज़ारों की तादाद में सेल आउट कर रही होती हैं तो फिर ठीक है फ़ाइन है और इसमें जितने भी होंगे ना आप इसको ना आ, सार्ट आउट जरूर कर लीजिएगा सार्ट आउट यहाँ से वन क्लिक से आप सार्ट आउट कर लेंगे और हाईएस्ट सेल लेने वाले सेलर जो है ना वो टॉप पे आ जाएंगे उनके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितने कितने यूनिट सेल आउट किए हैं अब इसमें जितने भी हो ना समाइम ये तो सिर्फ आपको पाँच शो हो रहे हैं दस या बारह भी हो सकते हैं तो उनके अकॉर्डिंग सार्ट आउट करके हमने टॉप टेन में देखना है कि कितनी सेल जा रही है बाकियों को रर्न नहीं करना सिर्फ टॉप टेन में अगर प्रोडक्ट में ट्वेंटी सेलर भी शो हो रहे हैं ना एफ पी ए उसके अकॉर्डिंग भी हम सिर्फ टॉप टेन के साथ देखेंगे सार्ट आउट करते हुए ठीक है और इसमें हमने देखा कि ठीक है मतलब इनकी सेल अच्छी है और मज़ीद हमने फिर कहाँ से ये चीज़ कंसिडर करनी होती है जब हम आ, अच्छा यहाँ से देखें फॉर एक्ज़ाम्पल अब ये भी बहुत मजे की मैं बात बताने बताने जा रही हूँ यहाँ पे स्टैटिस्टिक पे जब मैंने लेके आई हूँ ना एरो तो आपको नजर आ रहा है लोएस्ट में वो बता रहे हैं क्या प्राइस थी और सेल रैंक कितनी कितनी है अब सबसे कम प्राइस इसकी गई है इलेवन पॉइंट टू नाइन और नाइन अक्टूबर ठीक है तो इसमें आपने देखना है कम बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए अगर ऐसे होता ना कोई सेलर तीन डॉलर की सेल आउट कर रहा है और तकरीबन दो तीन मंथ पहले ही उसने सेल आउट की है तो इट्स मीन की उस तरह की प्रोडक्ट्स से हम अवॉइड करेंगे तो ये बता रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में यानी कि प्राइस लगी है और इतनी कम नहीं है इलेवन पॉइंट टू नाइन इट्स मीन एवरेज चल रही है राइट नाउ भी इतनी ही तकरीबन जा, जा रही है इलेवन की रेशो में जा रही है इट्स मीन के आ, कोई ये प्रोडक्ट अच्छी है तकरीबन करंट में भी बता रहे हैं इलेवन पॉइंट फिफ्टी डॉलर है हाईएस्ट में जा बता रहे हैं ट्वेंटी फाइव तक जा रही है और एफ बी एम वालों ने लगाई है ये प्रा, प्राइस ट्वेंटी फाइव तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर बाय बॉक्स मिल रहा है एफ बी ए वालों को इसके अलावा एवरेज भी बता रहे हैं एलेवन वही ठीक है तो तकरीबन तकरीबन हम एस्टिमेशन अब इस पर तकरीबन टोटली आपने इस पर नहीं रिलाई करना आपने खुद भी देखना है कि इसकी प्राइस क्या जा रही है एवरेज को आप कंसीडर करते हुए जो है ना चलेंगे ठीक है एवरेज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि प्राइस जो है ना वो आ, अब मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्होंने ना प्राइस ज़्यादा की है जिसकी वजह से अमेजोन ने इनसे बाय बॉक्स ले लिया तो ये देखें जी बाय बॉक्स इनके पास नहीं है इतने टाइम के लिए फिर इन्होंने जो है ना बाय बॉक्स प्राइस जो है ना वो कम की है तो उसके बाद बाय बॉक्स इनके पास जो है ना रिटेन रहा है सो आउट तो वैसे आल, आल में नहीं हमने चेक करना होता हम थ्री मंथ्स या वन ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं अब इसमें आपने ये देखा कि सेल रैंक जो है ना आप चेक करें कि वन है और 2022 में ही तकरीबन रही है और 1000 समथिंग राइट नाउ जा रही है तो इसमें एवरेज लास्ट 90 डेज़ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो लास्ट 90 डेज़ में अगर आपने देखा है वन थाउजेंड सिक्स सेवन नाइन यानी इतनी इनकी सेल रैंक जा रही है तो अब हमने ये तो चले एक हज़ार समथिंग है ना लेकिन हम यहाँ से फिर कंसीडर करेंगे एवरेज तो एवरेज क्या जा रहा है आप खुद भी देख सकते हैं जी नाइन हंड्रेड एट हंड्रेड वन थाउजेंड समथिंग एट हंड्रेड एंड uh, ज़्यादातर एवरेज जो जा रही है ना वो पंद्रह सौ जा रही है सेल इसकी ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको कंसिडर करेंगे ये ठीक है एवरेज डाटा सम टाइम ऐसे होता है यहाँ पे हमें कुछ और शो हो रही होती है फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे वन थाउजेंड शो हो रही होती है लेकिन एवरेज में ज़्यादातर जो है ना सेल रैंक जा रहा होता है टू थाउजेंड की रेंज में तो इट्स मीन कि हम फिर टू थाउजेंड को कंसिडर करते है. ठीक है तो इस चीज़ को आपने मोर्स्टली कंसीडर करना हम सिर्फ इस पे इसी पे रिलाई नहीं करते कि स्टैटिस्टिक्स हमें क्या कह रहा है हम ओवरऑल देखते हैं कि क्या स्नार्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक पेड जो है ना अमाउंट कंसीडर करके उसको एक पेड वैल्यू जो है ना फिर हम अपने अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं जो स्नारियों बन रहा हो ठीक है अब ये था बाय बॉक्स के अकॉर्डिंग कि हमने बाय बॉक्स में ये चीज़ चेक करनी होती है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स ठीक है और लेट मी चेक कि इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं एवरेज प्राइस एलेवन पॉइंट समथिंग ही तमाम सेलर लगा के बैठे हैं अगर ये फ्लक्चुएट कर रही हो ना एक सेलर ट्वेंटी फ़ोर की लगा रहा है एक अलेवन की एक एट एट डॉलर की यानी इतनी प्राइस फ्लक्चुएशन होती कभी भी हम कंसिडर ना करते इस प्रोडक्ट को तो ये चीज़ आपने मस्टली कंसिडर करनी है रिव्यूज़ ट्राई तो करें वैसे कम सेलर से हमें ना ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि ये कम सेलर वाले अगर रिव्यू लेके जा रहे हैं इनको बाय बॉक्स मिल रहा है इट्स मीन हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा इसके अकॉर्डिंग हम इन इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए मूव ऑन करते हैं सो so, ये था बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग के बॉक्स अमेजोन का बॉक्स हम किस तरह से जो है ना कन्फर्मेशन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्यूरी होगी आपने राइट करके अपने पास रखनी है और लास्ट क्लास में इनशाला उसको कंसिडर करेंगे अभी इसी क्लास में ना मैं आपको एक चीज़ कंसिडर uh, करवा दूँ हाँ जी इसको मैंने ना ओपन करके रखा हुआ है आज ये एफ कैलकुलेटर को क्योंकि पहले जो है ना अच्छा जी अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो एफ ए कैलकुलेटर है ना फॉर एग्जांपल कि अगर कल भी हमने ट्राई किया था इस पेज पे ना माइट भी के ज़्यादा लोड है सोड्स so भाई ये ओपन नहीं हुआ पड़ा कल भी नहीं हुआ था लेकिन अभी जो है ना इसको ट्राई कर लेते हैं अगर कोई एक चीज़ एक पॉइंट पे ओपन ना हो रही हो ना तो आप सेकंड टैब पे इसको ट्राई कर लिया करें ताकि जो है ना ये चीज़ें टाइम एक पे नहीं ओपन हो रही होती हैं फिर सेकेंड पे ओपन हो जाती हैं अब ये देखिए मैंने सेकेंड अकाउंट पे इसको ट्राई किया तो ये ओपन हो चुका है यही प्रोडक्ट जिसकी मैंने एनालिसिस किया बॉक्स की इसी के अकॉर्डिंग सेम मेथड है आपने एसन को एंटर करना है और यहाँ पे इस तरह का ना जो है आपके पास एक ओपन हो जाएगा ग्राफ अब ये की ये जो है ना कैलकुलेटर ये कैलकुलेटर में हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें जो है ना इस प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट देगी पर मंथ के हिसाब से ये पर प्रोडक्ट भी बताता है अब इसमें आप चेक करेंगे सेल रैंक प्रोडक्ट की जो है ना वो बता रहा है कि सेल प्राइस जो है ना अमेजोन पे लगी है एलेवन पॉइंट फ़ाइव ठीक हो गया एलेवन पॉइंट फाइव है लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है कॉस्ट ऑफ़ गुड्स यानी आपने सप्लायर से जितनी प्राइस में ये प्रोडक्ट ली है ना माइट बी के अमेजोन पे ये एलेवन डॉलर की है और सप्लायर से आपको माइट बी के अगर एस्टिमेशन लगाते हैं वैसे राउंड अबाउट अगर दो डॉलर की आपको ये प्रोडक्ट मिलती है तो दो, दो डॉलर हमने वो कंसीडर किए और मिसलेनियस कॉस्ट का मतलब होता है जो आपको शिपमेंट के पड़ेंगे आपने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट ली हैं और वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है और किससे पहुँचानी है वो आपने वहाँ पे थ्री पी सर्विस लेनी होती है जिसने आपकी प्रोडक्ट पे लेबलिंग वगैरह लगानी होती है ठीक है सप्लायर से जो प्रोडक्ट्स मिलती है ना उन पर जो लेबलिंग होती है उनको रिमूव करके हमने एक नई लेबलिंग लगानी होती है और वो प्रोडक्ट की लेबलिंग जो करता है ना उसको प्रैप सेंटर सर्विस कहते हैं ये डिफरेंट यूएस में हमें मिल जाते हैं तो ये एक एकदा से सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि हमें ये लेबलिंग वाली सर्विस देते हैं और इन्होंने लेबलिंग ही सिर्फ नहीं करनी इन्होंने अमेजोन के वेयर हाउस तक हमारी प्रोडक्ट पहुँचानी होती है तो इन डैट केस ये हमसे ना पर पर प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट में बात कर रही हूँ ओवरऑल नहीं बात कर रही पर प्रोडक्ट एस्टिमेशन राउंड अबाउट हम लगाते हैं दो डॉलर डिपेंड करता है कि दो डॉलर प्रोडक्ट के वेट एंड डायमेंशन पे डिपेंड करता है माइट बी वो डेढ़ डॉलर लें या फिर एक डॉलर भी हो सकता है या फिर ज़ीरो पॉइंट समथिंग भी हो सकता है डिपेंड करता है प्रोडक्ट की वेट एंड डायमेंशन पे वो बता देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का वेट एंड डायमेंशन इस तरह से है और हम ये प्राइस लेंगे अब इसमें ना हमने कंसिडर किया कि दो डॉलर की माइड भी हमें सप्लायर ने प्रोडक्ट दी है या अगर हमें ब्रांड अप्रूवल मिल चुका था हमें ब्रांड ने ही प्रोडक्ट दी है उसके अकॉर्डिंग भी हमने चेक किया कि क्या प्रॉफिट इसका बन रहा है आप आप चेक करेंगे जी इसका प्रॉफिट बन रहा है इसका प्रॉफिट ए परसेंटेज इसकी एड बनी है यानी कि हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये हमारी फ़िफ्टीन परसेंटेज होनी चाहिए ये देखिए रेड में वो शो कर रहा है इट्स मीन कि ये लॉस में हम जा रहे हैं ये प्रोडक्ट अगर इतने की अमेजोन पे पड़ी है और हमें अगर सप्लायर ने दो डॉलर के दी इट्स मीन टोटली लॉस में जा रहे हैं लॉस में कोई भी नहीं जाना चाहता इसीलिए हमने ये एफ बी के थ्रू एस्टिमेशन लगा के प्रोडक्ट को लाइव करना होता है अब देखें जी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर एस्टिमेशन लगाते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना हमें मिलती है सप्लायर से ज़ीरो पॉइंट समथिंग अच्छा जी अगर हमें इस प्राइस में मिल जाती है ये प्रोडक्ट सप्लायर से और शिपमेंट के अगर दो डॉलर डाल के बिना फिर भी हमें फाइव परसेंटेज जो है ना फाइव परसेंट जो है ना प्रॉफिट बनता है लेकिन फिर भी ये हमारे काम की प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि हमें फ़िफ्टीन परसेंट प्रॉफिट के साथ चलना होगा तो एस्टिमेशन हम लगाते हैं फिफ्टीन परसेंट होना चाहिए अब देखें फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ये वाली है अब इसमें हमने देखा हर चीज़ ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल दे रही हूँ वैसे ये प्रोडक्ट विनिंग नहीं है मैं वैसे एस्टिमेशन लगा रही हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट विनिंग होती है आपके अकॉर्डिंग के क्राइटेरिया मीट कर रही है बाय बॉक्स की रेशियो बड़ी अच्छी है सेल बहुत अच्छी है ये सारी चीज़ें मीट कर रही होती लेकिन फिर अगर प्रॉफिट नहीं ना अच्छा आ रहा प्रोडक्ट को आपको क्विट करना पड़ेगा तो ये चीज आपने मस्टली कंसीडर करनी है ठीक हो गया अच्छा एक और चीज यहां पे मैं कंसीडर करवाती पे अगर टेन परसेंट होता ना टेन परसेंट तो प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी होती फिर हम इसको कंसीडर कर सकते थे <laughs> <laughs> जी अब हम बात कर रहे थे इस प्रोडक्ट पे टेन परसेंट तब हम कंसिडर करते हैं अगर इस प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी अच्छी होती फॉर एग्जाम्पल जी हर सेलर को अगर यहाँ पे आप एस्टिमेशन लगाएं कि कितनी है सिक्स सेलर हैं और हजारों की तदाद में अगर सेल हो रही है बहुत अच्छी प्रोडक्ट की सेल है इट्स मीन फिर हम एवरेज कर, हम करते हैं ना मिनिमम हर सेलर को थर्टी यूनिट सेल आउट होने चाहिए लेकिन अगर प्रोडक्ट uh, का प्रॉफ़िट 15 परसेंट है तो ठीक है वेल एंड गुड कंसीडर कर लेते हैं लेकिन अगर 10 परसेंट प्रॉफिट आ रहा है लेकिन सेल बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की तो फिर हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेंगे ठीक है ये दो सिनेरियो हैं जिनके थ्रू मैंने आपको बताया है कि आप इस इन डैट के इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट uh, कर सकते हैं तो ये था प्रॉफिट एफ पी प्रॉफिट कैलकुलेटर जो कि कल ओपन नहीं हुआ था और आज मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ था इसीलिए कि ये हमारा पॉइंट जो है बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए बहुत कंसिडर करने वाला पॉइंट है जब आप प्रॉफिट जब आप एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ना तो आपने एफ पी कैलकुलेटर को भी मस्टली कंसिडर करना होता है अब ये तकरीबन हमारा लास्ट में लेक्चर आ रहा है और इसको ना रिकॉर्ड करते हैं अगेन लिंक शेयर किया जाएगा उसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा और जो रिमेनिंग एक दो पॉइंट है उसको कंसिडर करते हैं एंड आज आपका प्रैक्टिकल क्लास होएगी ठीक है उसमें आप कंपलसरी है तमाम स्टूडेंट ज्वाइन करने चाहिए ठीक है अगेन लिंक शेयर करती हूँ उसके थ्रू क्लास जॉइन कीजिएगा